कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस समय यह यात्रा राजस्थान में है। इस मौके पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू हुए हैं और इस दौरान जब उनसे राजस्थान में हालिया सियासी संकट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है, हमारी पार्टी में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई समस्या नहीं है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के भीतर कोई तानाशाही नहीं है और पार्टी फांसीवादी नहीं है। राहुल ने कहा गांधी परिवार ने अपनी पार्टी की क्षमता पर हमेशा विश्वास व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी में बातचीत हमें ठीक लगती है और उससे दिक्कत नहीं है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हमारा ऐसा ही है, कांग्रेस की विचारधारा है कि हमारी पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो हम उन्हें डराकर चुप नहीं कराते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से सरकारें चलानी पड़ती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि कांग्रेस पार्टी बिखर कर खत्म हो गई है। बीजेपी आरएसएस ये इनका काम डिफेमेशन है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाई।